दोस्तों आज देखेंगे दाब का फॉर्मूला और मात्रा। तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। तो दाब का बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी ले लेंगे न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। अब बल का फॉर्मूला कहां से निकल कर आता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहां द्रव्यमान का मात्रक हो गया किग्रा और त्वरण का मात्रक क्या हो गया? तो त्वरण का मात्रक यहां से निकाल लेंगे। त्वरण बराबर हो गया वेग। त्वरण बराबर हो गया वेग अपॉन समय। त्वरण बराबर हो गया वेग अपॉन समय। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? समय का मात्रक तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समय का मात्रक तो सेकंड हो जाएगा। और वेग का मात्रक क्या होगा? तो वेग का मात्रक यहां से देख लेंगे। वेग बराबर होता है विस्थापन। विस्थापन अपॉन समय। तो यहां विस्थापन का मात्रक कितना हो जाएगा? मीटर। और समय का मात्रक कितना हो जाएगा? सेकंड। समय का मात्रक कितना हो जाएगा? सेकंड। तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा वेग का? मीटर पर सेकंड। तो यहां वेग का मात्रक लिख देंगे मीटर, मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख लेंगे मीटर। जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां ये त्वरण का मात्रक हमें मिल गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या? न्यूटन भी बोलते हैं। तो यहां से बल का फॉर्मूला मिल गया न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो ये मीटर मीटर कितना हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और दाब के फार्मूले से दाब का मात्रक कैसे निकालते हैं वो कुछ समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।